दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको नमक के बारे में बताया था कि कितने शक्तिशाली इसके प्रयोग होते हैं और बहुत सारी चीजों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नमक तो एक ऐसी चीज है जो सभी के घर में मौजूद रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके प्रयोग के बारे में पता नहीं रहता है, इसीलिए कोई भी फायदे इसके नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तंत्र मंत्र साधनाएं, रेकी हो, हीलिंग हो, एस्ट्रोलॉजर भी, सभी चीजों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो किस प्रकार नमक के इस्तेमाल से आप अपने ब्लॉक चक्रों को खोल सकते हैं। और जिन लोगों को रात को सोते समय डर लगता है या फिर भूत प्रेत की समस्याएं रहती हैं, तो उसमें भी नमक का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, ये सभी चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो आज के इस वीडियो में नमक के और भी ज्यादा दुर्लभ प्रयोग हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसके अनेक फायदे होते हैं जिनको जब आप जानेंगे तो खुद ही हैरान रह जाएंगे और बड़ी आसानी से आप इसके अनेक फायदों का लाभ भी उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट करें ओम नमः शिवाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी खास जानकारी वाले वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नमक में एक ऐसी अद्भुत शक्ति पाई जाती है जिससे हर तरह की बुरी शक्तियाँ डर कर भागने लग जाती हैं। सभी लोगों के घर में ये मौजूद तो रहता है, पर फिर भी कोई इसका फायदा नहीं उठा पाता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके बहुत खास प्रयोग आपको बताए थे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे नमक के सभी खास जानकारी आपको पता लग सके, इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि इसके इस्तेमाल तो रेकी में, हीलिंग में, तंत्र मंत्र साधनाओं में सभी जगह होता है। तो दोस्तों, इसके फायदे आप इस प्रकार उठा सकते हैं कि अगर आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपना स्थान बना लिया है, घर बना लिया है, तो उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बिल्कुल बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है भी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें होती हैं। अगर आप उन खास बातों का ध्यान रखेंगे, उन बातों पर ध्यान देंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये देखना कि अगर आपका खुद का ही मन अपने घर में ही नहीं लगता है, या फिर हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि क्या नर्क जैसी जिंदगी है, कहीं बाहर चलना चाहिए, तो आप समझ जाएं कि नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपके घर में वास बना लिया है। क्योंकि जिस भी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहता है, वहाँ हमेशा ही ग्रह कलेश बना ही रहता है। वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें नेगेटिव हमेशा ही घूमती रहती हैं। रात को ठीक से नींद नहीं आ पाती है, सिर में पूरा दर्द ही हुआ रहता है, क्योंकि जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास बना लेती हैं, तो वो घर में रह रहे लोगों के लिए कष्ट और दुख उत्पन्न करने लग जाती हैं। इसीलिए वहां रह रहे लोगों के मन में दुख, कष्ट और चिंता ही बनी रहती है। जब भी नकारात्मक ऊर्जा घर में घुसती है, तो वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ हमेशा ही अंधेरा रहता हो, जैसे भारी भरकम चीजों के पीछे, कोनों में, जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह होती है, वहीं वो बस अपना डेरा बना लेती हैं और फिर दुखी करती हैं घर के लोगों को, जिससे ग्रह क्लेश बढ़ जाता है। हमेशा मन में बेचैनी रहने लगती है, डर लगने लगता है, मकड़ी के जाले हमेशा घर में बनने लगते हैं। तो इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए नमक राम बाण उपाय है। आप बस इतना करें कि एक स्प्रे की बोतल खरीद लें, उसमें पानी भर के नमक डाल दें। 7-8 चम्मच आपको नमक उसमें डाल देना है। उसके बाद 7-8 चम्मच ही उसमें सफेद सिरका भी मिला देना है, और घर में जहां मकड़ी के जाले बनते हों, लगातार ही साफ करने के बाद भी बन जाते हो, क्योंकि मकड़ी के जाले बहुत ही ज्यादा अशुभ माने जाते हैं, ये संकेत करता है कि आपके घर में बुरी शक्तियां वास करती हैं। तो जहां भी मकड़ी के जाले बनते हैं, वहां पर आप इस स्प्रे को छिड़क दें, और इस स्प्रे को घर के हर कोने में, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं छुपी हो सकती हैं, वहाँ सब जगह आप इसे छिड़कते जाएं। जैसे ही आप छिड़केंगे तो चमत्कार आपके सामने होगा। तुरंत ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन से बोझ उतर गया है, आप दिमाग से बिल्कुल हल्का सा ही महसूस करने लगेंगे। एकदम से ऐसा लगेगा ना जाने कितने दुष्ट व्यक्ति को आपने घर से धक्के मार के निकाल दिया है। उस दिन आप चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इसे छिड़कते ही ऐसे डर के भागेंगे कि वहाँ की ओर मुंह भी नहीं करेंगे। इसे लगातार हर 4 दिन में आपको छिड़कना है, या फिर हफ्ते में एक बार भी आप इसे छिड़क सकते हैं। इससे घर के हालात बिल्कुल सुधरते ही जाएंगे, सुख मन में तो बसेगा ही और घर में भी बसने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि सब काम आपके बनने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर निकल जाएंगी, तुरंत ही पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और वहाँ के लोगों में आपस में प्यार बनने लग जाएगा।
और वह आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इस तरह नमक के इस्तेमाल से आप अपने घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग है कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो बाहर से नकारात्मक ऊर्जाएं साथ लग जाती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों से मिलना होता है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे तो खुद ही जानेंगे कि जब भी आप किसी नेगेटिव व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी नेगेटिविटी भी आपको लग जाती है। कई बार लोग हाई मार देते हैं, बुरी नज़र लगा देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बुरी नज़र से हाई से तो पत्थर भी टूट जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जा रहे हैं और बाहर से नकारात्मक ऊर्जाएं आपको पकड़ लेती हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि नज़र लगाएगा, तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप सुबह निकलते हैं तो आप सफ़ेद कागज़ में नमक थोड़ा सा डालकर उसकी पुड़िया बना लें और इसे अपनी जेब में रख कर जाएं। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगी। बहुत सारे लोगों की तो तबीयत इसीलिए ख़राब जाती है कि जब भी वे कहीं जाते हैं तो बुरी नज़र होने लग जाती है। और जब आप देखेंगे कि कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर सभी लोग आते हैं तो वहाँ से आने के तुरंत बाद ही तबीयत खराब सी होने लगती है, सर में बेकारन ही दर्द होने लगता है। तो जब भी आप ऐसे जाते हैं तो आप सफ़ेद कागज में थोड़ा सा नमक डालकर उसकी पुड़िया बना लें और इसे अपनी पॉकेट में रख लें और घर आकर इसे फ्लश कर दें, या नमक की पुड़िया को कहीं भी आप बाहर फेंक सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी नहीं हो पाएगी, आपको पकड़ नहीं पाएगी, किसी की बुरी नज़र नहीं लग पाएगी और ना ही किसी की हाय आपको लग पाएगी। तो ये बड़ा आसान सा और बहुत ही ज़्यादा अचूक प्रयोग है। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा नमक का प्रयोग है कि जब घर में आपके कोई दूसरा व्यक्ति होता है या जो घर का मुख्य दरवाजा होता है वहीं से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दोबारा प्रवेश कर जाती हैं। वहीं पितरों का भी स्थान होता है, इसलिए हमेशा बताया जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर नमक की पोटली बनाकर आप घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की ओर टांग देते हैं तो इससे घर बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं फिर घुस नहीं पाती हैं, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही उनका स्थान होता है, वहीं से वे आती हैं। जब आप बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर आते हैं तो वे पीछे पीछे भी कई बार आ जाती हैं। बहुत सारे लोग जब बाहर आपसे मिलने आते हैं, बाहर के लोग, तो वो भी उनके साथ भी नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। तो हर प्रकार की नकारात्मक और बुरी शक्तियों से बचने के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में समुद्री नमक डालकर एक पोटली बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग सकते हैं, या फिर अगर आपको समुद्री नमक नहीं मिल पाता है तो आप रॉक साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रॉक फॉर्म में होता है यानी कि पत्थर की तरह होता है, वो नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं या बुरी शक्तियां घर में घुसने की कोशिश करेंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं घुस पाएंगी। और अगर आप बाहर से घर में प्रवेश करेंगे यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं को लेके भी आएंगे तो वो भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगी। यही प्रयोग बहुत सारे लोग अपने व्यापार में भी करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं व्यापार पर हावी ना पड़ पाए। और आपने खुद भी काफी लोगों की दुकान में या व्यापार स्थल में देखा होगा कि पोटली ऊपर मुख्य दरवाजे पर टांग कर रखते हैं, तो ये वही प्रयोग है। यह आप अपने व्यापार स्थल में और दुकान में भी करके रख सकते हैं। इससे जब भी ग्राहक आएगा तो वो कुछ ना कुछ खरीद कर ही आपकी दुकान से जाएगा, इससे व्यापार भी बढ़ने लग जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप अपने व्यापार स्थल में या दुकान में साफ सफाई करवाते हैं तो पानी में नमक मिलवाकर उसी कपड़े से साफ सफाई अगर करवाते हैं, घर में पोछा भी उसी पानी से मारते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपा प्राप्ति होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से ही उत्पन्न हुई है और समुद्र बिल्कुल नमक ही होता है, इसीलिए नमक में गजब की शक्तियां पाई जाती हैं। इसी तरह से जब भी आपको लगता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है या फिर चिंता आपको बहुत ही ज़्यादा सता रही है तो आप बस इस आसान से प्रयोग को करके देखें। आपको केवल इतना करना है कि थोड़ा सा नमक एक एक चुटकी करके अपने ऊपर से 7 बार उतारते जाना है, यानी कि एक चुटकी लेनी है, 7 बार उतार कर इसे आग में डालकर जला देना है। इस तरह से टोटल आपको 8 बार करना है, यानी कि 8 चुटकी नमक अपने ऊपर से इस प्रकार उतारना है और फिर इसे कपूर की सहायता से या गैस पर डालकर इस नमक को जला देना है, या किसी भी माध्यम से किसी भी तरह से आप इस नमक को जला सकते हैं। जब नमक जलेगा तो आप इसे देखते रहें, जैसे ही आप ऐसे करेंगे तुरंत ही आपको पॉजिटिविटी खुद ही महसूस होने लगेगी।
और अगर आप इस प्रयोग की शक्ति को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे करके देख सकते हैं कि नमक जलाने से, नमक को जलता हुआ देखने से और जो ये इसमें से धुआं थोड़ा सा निकलता है, इसी से केवल आप एक सुख को अनुभव करने लग जाएंगे। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे ही नमक जलता है वह नकारात्मक ऊर्जाएं डर कर भागने लग जाती हैं और पॉजिटिविटी एनर्जी वहां पर इतनी बढ़ जाती है कि जो भी वहां पर मौजूद होता है उसे एकदम से ही सुख का, आनंद का अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार आप नमक के और भी ज्यादा अधिक फायदे उठा सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको तराटक के बारे में, सम्मोहन के बारे में, सूर्य की ऊर्जाओं का इस्तेमाल, रंगों का इस्तेमाल करके किस प्रकार अपनी परेशानी को खत्म किया जाता है, यह सभी चीजों के बारे में आने वाले वीडियोस में हम आपको जरूर ही बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो यह जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कर दें जिससे सभी लोग आसान सी चीजों से अपने जीवन को सुधार सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।